दोस्तों ये है ऑल्टो K10, और इसमें ये जो है ये हाई प्रेशर लाइन होती है, जो पतली वाली पाइप दिख रही है आपको, हाई प्रेशर लाइन होती है ये एसी के लिए। और ये जो जा रही है मोटी वाली लाइन, ये लो प्रेशर लाइन होती है। इसका इनलेट यहाँ पे होता है, ये देखिए। मैं इसको खोल के देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें हम लीकेज को टेस्ट करते हैं और कैसे गैस के प्रेशर को टेस्ट करते हैं। ये मैंने स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, यानी पेचकस लिया हुआ है, मोटे दाने वाला, ठीक है, मोटा आगे से हेड है इसका, ये मैंने लिया है। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे इसमें से आवाज़ आनी चाहिए गैस की, ये देखिए। मैंने प्रेस किया, आराम आप देख पा रहे हो, इसके नोज़ल को मैंने प्रेस किया, पर ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, यानी गैस बिल्कुल भी नहीं है, हमारी गैस पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब ये हाई प्रेशर लाइन है, मैं इसको भी चेक करके देख लेता हूँ। इसको आपको रोटेट करना है और ये जो दिख रही है आपको वाल्व, ये इसको प्रेस करना अंदर, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं आ रही। थोड़ी सी गैस थी वो निकल चुकी है, थोड़ी सी आवाज़ आई थी, बाकी देखिए मैंने पूरा प्रेस कर दिया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, यानी हमारी पाइपलाइन में गैस नहीं है। तो गैस कहीं से या तो लीकेज हुई है, या काफ़ी टाइम बाद हो गया तो थोड़ा थोड़ा लीकेज करके ये गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसलिए इसका एसी काम नहीं कर रहा। अब हम इनको वापस से कैप को ज़रूर लगानी है आपको, वरना इसमें डस्ट आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। टाइट कर देनी है, और डस्ट आने की वजह से ये इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है वाल्व में, तो वाल्व को आपको ज़रूर टाइट कर देना है, ठीक है। ये लो प्रेशर लाइन और ये हाई प्रेशर लाइन, ये यहाँ से जा रही है ये भी, और यहाँ से ये जा रही है, वो दिख रहा है आपको नीचे, वो कंप्रेसर है, वो रही बेल्ट, वो वाली, वो कंप्रेसर है, और इस पुली की हेल्प से, इस बेल्ट की हेल्प से ये कंप्रेसर घूमता है। जब आप एसी ऑन करते हैं तभी कंप्रेसर का कॉयल, जो मैग्नेट है, बीच का मैग्नेट है, वो घूमता है, अदरवाइज़ ये नहीं घूमता, सिर्फ पुली घूमती है, राइट। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जब आपका कंप्रेसर पुली घूम रहा हो लेकिन और एसी ऑन करने के बाद ही कंप्रेसर नहीं घूम रहा है, ये वाला सेंटर का जिसमें स्टार बना हुआ है, ये नहीं घूमता है, तो इसका मतलब आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो या तो आप गैस लीकेज को चेक करें, गैस रिफिल करवाएं, टॉपअप करवाएं, उसके बाद ही ये काम करेगा। आई होप थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।